लेकिन जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर ये बाधाएं नहीं आती तो आप सोच सकते हो कि जितना काम मैंने अभी गिनाया उससे दुगना तिगुना काम हो सकता था। हमने हमारी विधानसभा ने 14 बिल पास करके भेजे। उसमें एक बिल था कि अगर कोई, जैसे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हो, कानून कहता है राशन कार्ड आपका 15 दिन में बनना चाहिए। हमने कानून पास किया कि अगर 15 दिन में आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली 16वें दिन से पैसे गिनने चालू हो जाएंगे और जिस दिन आपका राशन कार्ड बनेगा तब तक उतने पैसे आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे, मुआवजे के रूप में, और वो पैसे उस अफसर की तनख्वाह से कटेंगे जिसको बनाना था, वो भी ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेटिक। मतलब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं छुट्टी पे था जी, कुछ वो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, किसी ना किसी अफसर की तनख्वाह से कटेंगे और आपको मुआवजा मिलेगा। अगर ये कानून हम पास कर दें और हर जितनी राशन कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, ये करना वो करना, सारे कामों की टाइम लिमिट फिक्स कर दें, आप सोचो करप्शन कितना कम हो सकता है। ये कानून हमारी विधानसभा ने पास करके भेजा, आज 8 महीने हो गए। दिल्ली की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम जितने भी कानून पास करते हैं ना, जैसे और दूसरे राज्य हैं उसमें तो विधानसभा अपना कानून पास कर लेती है बस खत्म, यहां पे हमारे सारे कानून केंद्र सरकार में जाते हैं अप्रूवल होने के लिए, जब तक केंद्र सरकार नहीं करती तब। तो ये केंद्र सरकार में 8 महीने से ये कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है, जन लोकपाल बिल, याद है वो रामलीला मैदान वाला, 8 महीने से भेजा हुआ है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अभी तक पास नहीं हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी वाला बिल जो मैंने अभी बताया कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करते, वो बिल 8 महीने से उनके पास पड़ा हुआ। 14 हमारे बिल हमने भेजे हुए हैं, हमने कानून पास करके, केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद मैं आपको कुछ फाइलें बताता हूं जो रोक रखी है इन्होंने। मिड डे मील में आप सबको पता है कि चोरी होती है स्कूलों के अंदर, मिड डे मील का बहुत बुरा हाल है। मैं पिछली बार जब कर्नाटका बैंगलोर गया था, कर्नाटका के अंदर बैंगलोर में बहुत अच्छा काम चल रहा है मिड डे मील का। वहां पे अक्षय पात्रा, इस्कॉन टेम्पल वाले हैं ना, उनकी एक एनजीओ है अक्षय पात्रा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी फर्स्ट क्लास किचन है, उनका फर्स्ट क्लास खाना बनता है, गर्म खाना जाता है, और मैं पूरे उनकी किचन देख के आया, मैं उनका सारा खाना देख के आया, और 8 राज्यों के अंदर वो काम कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, कल गुजरात की मुख्यमंत्री बता रहे थे। गुजरात में कर रहे हैं, राजस्थान में, राजस्थान का तो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, और हर जगह उनको नॉमिनेशन बेसिस पे दिया गया। कोई वो एनजीओ है वो टेंडर में अप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं हम टेंडर में अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, और वो एक्चुअली डोनेशन लेके आते हैं। हमने आने के बाद फाइल चलाई, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया भाई हम दिल्ली के अंदर भी सारे स्कूलों में मिड डे मील इन्हीं से दिलवाएंगे। एलजी साहब ने हमारा प्रपोजल कैंसिल कर दिया कि नहीं हम इनको नहीं देंगे। अब मनीष ने 8,000 क्लासरूम बना दिए, 45 नए स्कूल बना दिए, अब इसको टीचर तो चाहिए, 20,000 टीचर चाहिए, अब 15,000 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। हमने कहा था हम इन गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे, हमने इन गेस्ट टीचरों को पक्का करने के लिए फाइल चलाई, एलजी साहब ने वो फाइल रिजेक्ट कर दी। अब बताओ मेरे 8,000 क्लासरूम बनके तैयार हो गए, 45 नए स्कूल बनके तैयार हो गए, टीचरों को भी भर्ती की फाइल उन्होंने मना कर दी, मैं टीचर कहां से लाऊं, तो ये स्कूल कैसे चलेंगे आप बताइए। 10 अस्पताल नए बनाने के लिए 1 साल से फाइल भेजी हुई है कि हमें जमीन चाहिए, डीडीए को जमीन देनी है, पैसा देने के लिए तैयार है दिल्ली सरकार, अपने अस्पताल बनाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तैयार है हम लोग, जमीन नहीं दे रहे 10 अस्पतालों के लिए। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, उसको इन्होंने खारिज कर दिया।